नमस्कार रंजीत सर, पटना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और हम अपने व्यूवर्स के लिए आज लेकर आए हैं कंप्लीट टॉपिक का नाम है डिजिट प्लस परसेंटेज वेन डायग्राम। एक ऐसा वेन डायग्राम जिसमें डिजिट भी यूज होता है और परसेंटेज भी, ये मैथ्स में भी इस्तेमाल होता है और रीजनिंग। तो आपको ये बहुत मजा आएगा और सीखकर एकदम, देखिए जो लिखा है एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा। एक तो ये बात है कि इसमें कंप्लीट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं और दूसरा आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्लीट टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो से एक बार गुजर जाएंगे तो इससे बाहर एग्जाम में दो वेन डायग्राम से रिलेटेड या दो ग्रुप से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से रिलेटेड हम लोग क्या क्या जानकारी हासिल करें ताकि हम सवाल बना पाए। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं इस पॉइंट से कि अगर आपको इस टॉपिक में 100% कमांड करना है, अगर आपको इस टॉपिक में परसेंटेज वेन डायग्राम में, जिसमें कि एक तरह का ये वेन डायग्राम जो होता है एक तरह का डाटा रिप्रेजेंट करने का टेक्निक होता है, आखिर इस टेक्निक से रिलेटेड जितने भी सवाल एग्जाम में आते हैं उन्हें बनाने के लिए आपको क्या कुछ पता होना चाहिए। देखिए इस टॉपिक को क्लैरिटी से समझने के लिए आपको तीन स्टेजेस से गुजरना होगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पूरा लैंग्वेज क्या लिखा है, लैंग्वेज की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप इस टॉपिक को 100% कमांड करना चाहते हैं लैंग्वेज की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। कि लैंग्वेज की क्लैरिटी कहने का मतलब क्या है बता रहे हैं आपको। मान लीजिए लिखा होता है हिंदी में पास, कभी कभी लिखा रहेगा केवल हिंदी में पास, फिर लिखा रहेगा हिंदी और इंग्लिश में पास, फिर लिखा रहेगा हिंदी या इंग्लिश में पास, तो कभी और आ रहा है, कभी या आ रहा है, कभी केवल आ रहा है, कभी पूरा आ रहा है। इसकी अगर क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या उसका ऑर्डर क्या होगा, कैसे वो प्लेसअप होगा, तो बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज की क्लैरिटी आपको अच्छे से मिले। दूसरा नंबर जो आपको ध्यान से समझना है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन कहने का मतलब पास के डायग्राम से फेल का डायग्राम, या फेल के डायग्राम से पास का डायग्राम, या कभी कभी बोलते हैं चाय पीते हैं तो पीते हैं के डायग्राम से नहीं पीते हैं का डायग्राम, या नहीं पीने वाले का डायग्राम से पीने वाले का डायग्राम। कन्वर्जन आपको बहुत फास्ट करना होगा, मतलब 5 सेकंड के अंदर आपको ये कन्वर्ट कर लेना है अगर टिपिकल से टिपिकल सवाल आया फिर भी, या कभी कभी दोनों डायग्राम साथ बनते हैं तो आपको एक तरह से तैयार रहना पड़ेगा प्लस माइनस दोनों के लिए। एक हो गया, और दूसरा होता है डाटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग कहने का मतलब जो भी डेटा गिवन होगा, मान लीजिए हमारे पास डाटा गिवन है कितने परसेंट लोग चाय पीते हैं, इतने परसेंट लोग कॉफी पीते हैं, डेटा को कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह से उसको हम वेन डायग्राम में फीड करेंगे ताकि जो जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जाए हम उसका सही और सटीक जवाब दे पाए, 100% एक्यूरेट जवाब दे पाए। इसके लिए आपको इन तीन स्टेजेस करना होगा। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा लैंग्वेज की क्लैरिटी। लैंग्वेज क्लैरिटी के लिए आपको 10 पॉइंट से गुजरना होगा। 10 पॉइंट मतलब 10 पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, हम सारी चीजों को अरेंज करके लाए हैं, आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज की क्लैरिटी की बात करें तो आपको 10 बिंदुओं से गुजरना पड़ेगा। 10 पॉइंट्स क्लैरिफिकेशन है। अगर 10 पॉइंट्स क्लैरिफिकेशन से आप गुजरते हैं, यानी इन 10 बिंदुओं को आप क्लैरिटी से समझ लेते हैं, बहुत चांसेस है कि इनमें से ही घुमा फिरा कर लगभग सारे सवाल आते आते हैं। तो बस इन्हें आप ध्यान से सीख। यहाँ देखिए दो तरह से, दो सर्किल या दो ग्रुप में डेटा को डिवाइड किया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमने पास का डायग्राम बनाया है, ये हमने पास का डायग्राम बनाया, यानी वेन डायग्राम में जो भी है इस वेन डायग्राम जिसको आप सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप्स को, हम लोग ग्रुप में हम सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें हम लोग पास वाले को रखे हैं और जो बाहर है ये एक्चुअल में फेल है, और ये ऊपर वाला जो है ये बताता है कि सब है। इसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है आपने पढ़ा होगा वो कंप्लीट के लिए है। मान लेते हैं कि ये वाला सर्किल है हमारा, ये के लिए है, और एक और सर्किल जो बनाए हैं हम लोग मान लेते हैं कि ये इंग्लिश के लिए है। अब आप ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को कि अगर हम यहाँ से डाटा समझाना शुरू करें आपको तो 10 बिंदु समझा रहे हैं, एक एक करके आप सब समझेंगे। सबसे पहले तीन सवाल को देखिए, ध्यान से समझिए। पहले क्या लिखा है, हिंदी में पास। देखिए अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको डाटा फीड करने भी आ जाएगा कि कहाँ पे फीड होगा, और डाटा रिसीव करने भी आ जाएगा कि वेन डायग्राम से कौन सा डाटा डिमांड किया जा रहा है, एग्जामिनर क्या मांगना चाह रहे हैं, क्या चेक करना चाह रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको इसी जरूरत है, बहुत आराम आराम से एकदम ढंग से, अगर पहली बार देख रहे हैं ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए लिखा है हिंदी में पास। जब ये बात लिखा हुआ है कि हिंदी में पास, तो पास वाले डायग्राम में, पास वाले डायग्राम में हिंदी वाले सर्किल में जो लोग भी हैं, हिंदी वाले सर्किल में जो लोग भी हैं सब, हिंदी में पास का मतलब होगा ए प्लस सी, हिंदी में पास का मतलब होगा ए प्लस सी। इस बात का अच्छे से आप ध्यान रखिए भाई, हिंदी में पास का मतलब क्या होगा, जो भी हिंदी में है तो उत्तर होगा ए प्लस। जबकि अगर कहा जाए इंग्लिश में पास, तो इंग्लिश में पास बोला जाएगा तो इंग्लिश वाला सर्किल देखिए, ये वाला हमने ग्रीन से कर दिया, इंग्लिश वाला सर्किल देखिए, इंग्लिश वाला सर्किल में क्या क्या आएगा, बी प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पे इंग्लिश वाले में पास में क्या आएगा, बी प्लस सी। और एक यहाँ वर्ड यूज हो रहा है, देखिए हिंदी और इंग्लिश में पास, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि और यहाँ पे एक्चुअल में अगर अंग्रेजी में बात करें तो ए एन डी वाला, एंड वाला है बात, है ना, तो बोथ की बात है। हिंदी और इंग्लिश में पास का मतलब है पास इन बोथ, इसका मतलब क्या है, पास इन बोथ, पास इन बोथ का मतलब हिंदी में भी पास और साथ ही साथ इंग्लिश में भी पास, दोनों में पास, दोनों में पास, दोनों में पास, पास इन बोथ। तो पास इन बोथ के लिए अगर बात करेंगे इसमें से कौन सा डाटा रिसीव करेंगे बताइए, पास इन बोथ में कई लोग सारा जोड़ देते हैं, गलत बात, पास इन बोथ का मतलब दोनों में पास, तो दोनों में कॉमन एरिया है, तो दोनों में कॉमन एरिया है ये वाला पास, यानी ये चीज चाहिए बस आपको, ये वाला हिस्सा, यहाँ से ये वाला,
दोनों में पास बोथ, तो उत्तर क्या होगा सी, हिंदी में भी पास और इंग्लिश में भी पास, तो इसका उत्तर होगा आंसर होगा सी। अब सवाल उठा यहाँ पे पहले 3 पॉइंट वो देख लीजिए आप, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इन 3 पॉइंट्स की ओर। अब इसमें देखिए क्या लगा हुआ, केवल 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 केवल, जब केवल लगेगा तो क्या होगा, केवल हिंदी में पास, तो आप उस डायग्राम को देखेंगे और सीखेंगे कि अगर सवाल केवल हिंदी में पास का होगा, केवल ओनली, ध्यान देंगे कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अगर हिंदी की बात हो रही है तो बात तो इसी का होगा, ब्लू वाले का, अगर हिंदी का बात हो रहा है तो हाँ हिंदी का ही बात होगा, ब्लू वाले सर्कल में बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हिंदी में भी अगर कोई लगा रहा है ओनली हिंदी, हिंदी में भी अगर कोई लगा रहा है ओनली हिंदी, केवल हिंदी, केवल हिंदी जब बोला जाएगा तो आप इसी को नहीं ले पाइएगा, आपको क्या लेना पड़ेगा, केवल और केवल ए को लेना पड़ेगा, कि हिंदी वाले डायग्राम में हो, हिंदी वाले सर्किल में हो, बाकी किसी सर्किल में नहीं हो। यानी यहाँ पे आपको इस पॉइंट को समझना होगा, केवल हिंदी में पास का आंसर क्या देंगे, केवल हिंदी में पास का आंसर क्या देंगे ए, केवल हिंदी में पास का आंसर क्या देंगे ए। और इस लैंग्वेज को भी थोड़ा समझेंगे कि केवल लगने का मतलब है हिंदी में पास, केवल लगने का मतलब है हिंदी में पास, कभी कभी इस लैंग्वेज में सवाल आएगा हिंदी में पास बाकी सब में फेल, बाकी सब में फेल, इसका मतलब ये भी है केवल हिंदी में पास का क्या मतलब होगा, आप अपने आप सोचिए, केवल हिंदी में पास हुआ है यानी हिंदी में पास हुआ है और बाकी सब में, तो केवल लगा रखा है ना, इसका मतलब बाकी सब में फेल हो गया, बात यहां लिख दिया हिंदी में पास बाकी सब में फेल, हिंदी में पास बाकी सब में फेल। ये बात आप क्लैरिटी से समझेंगे, केवल का मतलब यहाँ पे केवल ए आएगा, तरीके से अगर केवल इंग्लिश में पास रहेगा तो केवल क्या आएगा बी आएगा, केवल इंग्लिश में पास यानी केवल और केवल ग्रीन वाले सर्किल में, केवल और केवल किसमें है ग्रीन वाले सर्किल में है, केवल तो क्यों नहीं लेंगे, तो ब्लू वाले सर्किल में भी है, केवल इंग्लिश में पास में केवल बी लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे केवल, यहाँ पे क्या लेंगे बी लेंगे। और एक वर्ड यूज होता है देखिए ये वाला वर्ड, केवल एक सब्जेक्ट में पास, केवल एक सब्जेक्ट में पास का मतलब होगा, केवल एक सब्जेक्ट में पास का मतलब यहाँ समझना होगा आपको, यहाँ से केवल हिंदी में पास केवल इंग्लिश में पास, बस ये दोनों जुड़ जाएगा, केवल एक सब्जेक्ट में पास का मतलब ए प्लस बी, केवल एक सब्जेक्ट में पास का मतलब ए प्लस बी, केवल एक सब्जेक्ट में पास का मतलब ए प्लस बी, केवल एक सब्जेक्ट में पास का मतलब ए प्लस। ध्यान से इन पॉइंट्स को आप देख लीजिए, कुल मिलाकर 6 पॉइंट्स करा दिए गए हैं आपको, अगला 4 पॉइंट्स आप क्लियर कर लेंगे तो ये वाला क्लैरिटी वाला, लैंग्वेज की क्लैरिटी वाला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। और यकीन मानिए इस एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट टॉपिक दे रहे हैं, क्लैरिफिकेशन के साथ साथ कन्वर्जन के साथ साथ आपका पूरा डाटा तो हैंडलिंग है, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब कुछ कंप्लीट, बस आप मन लगा के डर जाइए, अगर आपको पहले से आता है तो थोड़ा हाई स्पीड करके गुजर जाइए, पर एक बार गुजर लीजिए, हो सकता है आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले, या पहले जो आपने पढ़ा उसमें ये आपने नहीं सीखी, ध्यान से सीख लीजिए। देखिए अब इन 4 पॉइंट्स को देखिए, कुल मिलाकर 6 पॉइंट्स आप सीख चुके हैं। 7वें पॉइंट पे देखिए लिखा है पास, कभी कभी बोलते हैं बताइए कितने लोग पास हुए, वेन डायग्राम देकर कई बार पूछा जाता है बताइए कितने लोग पास हुए, अगर ये वेन डायग्राम हमें दिया जाए और हमसे पूछा जाए कितने लोग पास हुए, ध्यान दीजिए पास का ही वेन डायग्राम है तो भी इस वेन डायग्राम में है सब पास है, सब पास है, तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, जो भी इस वेन डायग्राम में है सब पास है, तो इसका वैल्यू होगा ए प्लस बी प्लस सी, आंसर होगा ए प्लस प्लस सी। और आपको इसका लैंग्वेज और थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा कि इस पास का मतलब एक्चुअल में किस में पास है, हिंदी में पास है, इंग्लिश में पास है, दोनों में पास है, किस में पास है, का मतलब कई बार ऐसे डिटेल में भी पूछते हैं, या तो इसमें पास, या तो पास, या दोनों में पास, या दोनों में पास, इस तरीके से आप क्लैरिफाई करेंगे, अगर किसी को समझाना हो तो समझाना पड़ेगा आपको, इस पास सिर्फ पास बोलने का मतलब है या तो हिंदी में पास है, या तो इंग्लिश में पास है, या तो दोनों में पास है, मतलब मान लीजिए एक पार्टी रखी जाए, जा कहा जाए कि भाई जो लोग भी पास हुए हैं वो आएंगे, जो भी पास हुए हैं वो आएंगे, तो उसमें सब लोग आएंगे, हिंदी में जो पास हुआ होगा वो भी आएगा, इंग्लिश में जो पास हुआ होगा वो भी आएगा, दोनों में पास कर गया होगा वो भी आएगा, बात को समझ कैसे कीजिए। अब लिखा है फेल, देखिए अगर हम पास का वेन डायग्राम बनाए हैं, अगर हमें पास का वेन डायग्राम दिया है, या हमने अगर पास का वेन डायग्राम में है, तो वेन डायग्राम के अंदर जो भी है, वेन डायग्राम के अंदर जो भी है वो सब पास है, वेन डायग्राम मतलब सर्किल को ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम के अंदर जो भी है वो सब पास है, लेकिन जो बाहर में ये है, बाहर में ये जो डी है, डी ये एक्चुअल में वेन डायग्राम के अंदर नहीं है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ये तो पास का वेन डायग्राम है, तो जो बाहर होगा वो होगा पास के वेन डायग्राम में, जो बाहर होता है वो होता है फेल, वो होता है फेल, और किस में फेल, नहीं किसी एक में नहीं, फेल इन बोथ, फेल इन बोथ, दोनों में फेल, बस ध्यान रखिएगा कि दोनों में जो फेल होता है पास के वेन डायग्राम में बाहर रहता है, ये बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि अगर यहाँ कभी भी आपसे पूछा जाएगा फेल इन बोथ तो आंसर होगा, मतलब आंसर क्या होगा डी। अच्छा एक वर्ड यूज होगा या, देखिए यहाँ पे देखा हिंदी या इंग्लिश में पास, वर्ड को समझिए अच्छे से, देखा हिंदी या इंग्लिश में पास, या
इसको अंग्रेजी में बोले तो लिखते हैं कई बार और, इसका क्या मतलब है? या इंग्लिश पास का मतलब है, जैसे अभी आपने पास को समझा ना सेम, अब ये दिमाग में मत रहे कि हिंदी इंग्लिश पास का मतलब कोई कॉमन एरिया होगा, राइट? टी या इंग्लिश पास का मतलब तीनों पार्ट, टी या इंग्लिश पास का मतलब भी तीनों पार्ट, तीनों पार्ट कहने का मतलब यही सेम बात, या तो इंग्लिश में पास, या तो हिंदी में पास, या तो दोनों में पास, और इसका उत्तर भी सेम रहेगा ए प्लस ई प्लस। अच्छा एक वर्ड यूज होगा टोटल, एक वर्ड यूज होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब चाहे पास हो चाहे फेल हो, जो भी उस यूनिवर्सल सेट में सब जोड़ दीजिएगा, और सब जोड़ के जो आंसर आएगा यानी इसका उत्तर होगा ए प्लस ई प्लस ई प्लस डी। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, कभी भी आपसे कहीं कहा जाए कि टोटल, टोटल का मतलब ये वाला हिस्सा होगा, ध्यान दीजिए ये वाला हिस्सा होगा टोटल, ये वाला हिस्सा होगा टोटल, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टोटल टोटल टोटल। परसेंटेज फॉर्मेट में होगा ये फिक्स है कि 100% होगा, परसेंटेज फॉर्मेट में होगा फिक्स है कि 100% होगा, परसेंटेज फॉर्मेट में होगा ये फिक्स है कि 100% होगा, बाकी नंबर में होगा तो जोड़ के देखना पड़ेगा भाई जोड़ के कितना आ रहा है, लेकिन अगर परसेंटेज में रहेगा 100%। कुल मिलाकर ये है 10 पॉइंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें सीखेंगे कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या है, कन्वर्जन का मतलब क्या है, यहाँ से सीख के बहुत जरूरी हिस्सा है। वेन डायग्राम को सॉल्व करने समय बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग मिस कर देते हैं, जिस कारण से ये कॉन्सेप्ट हमारा कमजोर रह जाता है, और कई बार ये क्वेश्चन से एक से ज्यादा सवाल आ जाते हैं, कई बार आप देखिएगा कि मैथ्स में भी सवाल आ जाते हैं, रीजनिंग में एक दो सवाल आ जाते हैं, कई बार एक ही सवाल देकर उसके नीचे सवाल पूछ लिया जाता है, ऐसी स्थिति में आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। और ये टॉपिक ऐसा नहीं कि केवल रेलवे में आता है या केवल एसएससी में आता है, लगभग सारे एग्जाम में, बिहार एसएससी के पेपर चल रहे हैं उसमें भी लगभग आ रहा है हमेशा, एनटीपीसी के पुराने से पुराने सारे नए पेपर निकाल के आप देख लीजिए आपको वेन डायग्राम मिलेगा ही मिलेगा। वेन डायग्राम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सीख के ध्यान से सीख। ठीक है, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि जो अभी अभी डायग्राम आपने देखा था वो पास का डायग्राम था, लेकिन पास के डायग्राम से अगर फेल का डायग्राम बनाना हो तो आपको बदलना क्या पड़ता है सीखे, हम यहाँ एक ट्रायंगल में डाल रहे हैं जैसे ए और बी, ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, यानी अगर हम बोले याद है ये किसके लिए था, ये हिंदी के लिए था, और ये वाला सर्किल किसके लिए था, इंग्लिश के लिए था, तो फेल का डायग्राम जब बनाएंगे तो रहेगा सब कुछ सेम, ये भी हिंदी के लिए है, ये इंग्लिश के लिए है, सब सेम है, लेकिन डेटा पलट जाएगा फेल वाले में, जहां ए और बी की बात है ये आपस में रिप्लेस कर लेंगे, इंटरचेंज कर जाएंगे, यहाँ बी चला जाएगा और यहाँ, और इसके अलावा जो सेंटर वाला पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, इसको हम व्हाइट से सर्किल कर रहे हैं, ये बिंदु, बिंदुओं को ध्यान दीजिए, व्हाइट से हो नहीं पाएगा क्योंकि बोर्ड का कलर मैच कर रहा है, सी और डी में ध्यान दीजिए, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे, मतलब सी कहाँ पे है, सबसे अंदर वाला सबसे बाहर, और सबसे बाहर वाला सबसे, और फेल का जब डायग्राम बना लीजिएगा तो फेल से रिलेटेड भी वही 10 पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, और उसी जगह से वो वैल्यू उठेगा भी। कुल मिलाकर इतनी ही बातें आपको यहाँ पे समझनी है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग सीखने से पहले एक बार आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। वेन डायग्राम के अंतर्गत शुरुआत में जैसा कि हमने आपको बताया किस तरीके से आपको वेन डायग्राम पे कमांड करने के लिए, चाहे डिजिट वाला हो चाहे परसेंटेज वाला, पे कमांड करने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेज हमने आपको कराया कि लैंग्वेज की क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हमने 10 अलग अलग पॉइंट्स को क्लैरिफाई किया। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हमने आपको बताया कि वेन डायग्राम को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम पास के वेन डायग्राम को फेल में, कैसे हम पॉजिटिव वेन डायग्राम को नेगेटिव में, कैसे हम उल्टा भी कर सकते हैं, जो कन्वर्जन था वो आपने सीखा। तीसरा पॉइंट है डाटा हैंडलिंग, तो डाटा को कैसे हैंडल करेंगे, डाटा हैंडलिंग जो आप सीखेंगे, डाटा हैंडलिंग के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, डेटा को हैंडल करना सीखना पड़ेगा, कौन सा डाटा कहाँ लिखा जाए। डाटा हैंडलिंग में आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन, और कुछ बिल्कुल थोड़ा अलग टाइप के भी सवाल जो कि आते हैं, बहुत पुराने हैं बट वो रेगुलरली आते रहते हैं, उस तरह की प्रैक्टिस आप करेंगे जिससे कि आपका वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। हम लोग अब शुरू कर रहे हैं डेटा को हैंडल करना सीखने, और इस क्रम में हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 10-12 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, और इस प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे कि किस तरह से हम वेन डायग्राम में डेटा को हैंडल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सवाल की प्रैक्टिस, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है, ट्राई करिए। अगर आप इस सवाल पे चाहते हैं कि इस सवाल को अच्छे से बनाए तो ध्यान देना होगा, जैसे लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते ही आपको फिगर बनाना होगा, कैसे फिगर बनता है देखिए, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या कितनी है, 5,000, इनमें से 3500 छात्र जो है वो कॉफी पसंद करते हैं और 2500 छात्र चाय। अब आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि दो मामले हैं, एक तरफ साफ कहा गया कि कॉलेज में दो ग्रुप्स है, कॉलेज में दो ग्रुप्स है, और इन दोनों ग्रुप्स के बारे में कहा गया, इन दोनों ग्रुप्स के बारे में कहा गया ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 5,000, ओवरऑल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 5,000। इसके बाद ध्यान दीजिए कैसे लिखे जाएंगे, देखिए लिखा है 3500 छात्र जो है कॉफी, अगर हम यहाँ कॉफी ले लें और कॉफी के लिए कितने लोग हैं तो 3500 छात्र, एक तरफ लिख दें टी, चाय के लिए कितने लोग हैं देख लीजिए वहां पे 2500 छात्र,
रखिएगा, कभी भी इसे बाहर रखिएगा। कई लोगों को हमने देखा है वेन डायग्राम बनाने वाले बच्चों को ये 3500 अंदर रख देते हैं, चाहे यहाँ रखे चाहे यहाँ रखे, चाहे कहीं अगर रखना है तो गलत है। क्योंकि जब कहा जा रहा है कि 3500 लोग कॉफी पसंद करते हैं, तो याद करके देखिए, अभी अभी आपको बताया गया इसी वीडियो में कि कॉफी या सिंगल आइटम पसंद करने वाले जो है पूरे सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम कॉफी पसंद करने वालों की बात करें तो पूरा सर्किल जो है ये कॉफी पसंद करने वालों का है, पूरा सर्किल। तो आप इसमें अलग अलग कैसे रख सकते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कैसे रख सकते हैं अगर ये पूरे सर्किल से कॉफी पसंद करने वाले लोगों को रिप्रेजेंट किया जाना है? ये बाहर रहता है, ये बाहर रहता है। उस तरीके से चाय वालों के लिए बाहर रहेगा, क्योंकि पूरा रेड सर्किल, कि पूरा रेड सर्किल चाय के लिए है। आप इसमें अलग अलग जगह कैसे रख सकते हैं? पूरे के लिए बाहर रहेगा, पूरे के लिए बाहर रखिए। अच्छा, इसके बाद आइए अगले हिस्से में। क्या लिखा है? 2000 छात्रों को दोनों चाय और कॉफी दोनों, तो दोनों पसंद करने वाले में अगर आपको याद हो तो यहाँ रखते थे, याद है? यहाँ कितना रखेंगे? यहाँ कितना रखेंगे? 2000, बस हो गया। और एक बार अंदर वाला फील हो गया, ध्यान दीजिए, अगर ये मिल गया आपको, एक बार ये मिल गया तो आपको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। कैसे मिल गया? सीखिए डाटा को हैंडल करना, सीखिए, तभी तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे कम्प्लीटली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको हैंडलिंग सीखने को मिलेगा। देखिए ये पूरा सर्किल है 3500, ये 2000, तो ये अपने आप कितना बचा? 1500। इस पूरे सर्किल से रिप्रेजेंट हो रहा है, इस पूरे सर्किल से रिप्रेजेंट हो रहा है कितना? 2500। ये 2000, तो ये 500, बस माइनस कर करके लिख दीजिए। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये डायग्राम हमने पीने वालों के लिए बनाया है, चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, पीने वालों के लिए बनाया है, तो इसमें है कितने ओवरऑल जोड़िए, ए बी सी तीनों को जोड़ के देखिए कितना हुआ? 15, 5, 20, 2, 2000, 4000, टोटल कितने हैं? 5000। और ये तीनों जोड़ के हुआ कितना? 4000। यानी 1000 कहाँ पे है? बाहर में। 1000 कहाँ पे है? बाहर में, जो कुछ नहीं पीता है। यूनिवर्सल सेट के तो अंदर है, बट वो इस वेन डायग्राम से बाहर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है बट इस सर्कल से बाहर, इस ग्रुप में नहीं है। इस बात को समझिए। चलिए और बातें करते हैं, इसमें क्या पूछा गया? देखिए ठीक है, कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें इन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है? दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, कितने लोग हैं? 1000। दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, कितने लोग हैं? 1000। बहुत आसान है। मान लीजिए ये सेम सवाल देकर कल आपसे पूछ दिया जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो केवल कॉफी पसंद करते हैं, तो मारना पड़ेगा 1500। अगर पूछ दिया जाए केवल चाय पसंद करते हैं, तो मारना पड़ेगा 500। अगर आपको केवल का कॉन्सेप्ट, या का कॉन्सेप्ट, आर का और का कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, तो आप कैसे पूरा सवाल डील कर पाएंगे? मान लीजिए ये सवाल आया तो आपने बना लिया, और थोड़ा सा घूम गया सवाल तो आप फेल हो गए, तो ऐसे थोड़ी निकलेगा कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि आप किसी तो सीखें, इतना सीखें कि उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आज तक पूछे गए हैं, जितने बन सकते हैं या आज तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सब आपको क्लियर हो जाए, तभी तो आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ध्यान से और पेशेंस रख के डेटा को हैंडल करना सीखिए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत अच्छे तरीके से आप सवालों को सीखिए। तो कुल मिलाकर पहला सवाल आपका डील हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन आज का। इस क्वेश्चन को बना के देखिए, ये सवाल भी सेम टू सेम है, बट ये डिजिटल नहीं है, बट ये डिजिट्स वाले नहीं है, बट ये नंबर वाले नहीं है, ये परसेंटेज वाला है। बट यकीन मानिए, चाहे डिजिट का हो चाहे परसेंटेज का, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। उन्हीं कॉन्सेप्ट जो आपने अभी अभी सीखा है, उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर हम सारे ही सवालों को प्रैक्टिस कर लेंगे। जहां जहां बताने लायक जो जो बात होगा, हम सारी बात आपको बता देंगे। आप खाली मन लगा के देख लीजिए, इससे रिलेटेड सवाल कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। देखिए सबसे पहले, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, समझिए यहाँ पे, और 85% उम्मीदवार गणित में पास हुए। अगर बात पास होने की है, चले बनाया जाए पास का डायग्राम। यहाँ पे साफ लिखा है 80% इंग्लिश में, मान लीजिए ये इंग्लिश का हमने डायग्राम बना दिया, इंग्लिश का में क्या लिखा है कि 80% जो है वो इसमें क्या हो गए हैं? पास। ये डायग्राम किस चीज का है? पास का। ये डायग्राम पास का है, और ये हमने किसके लिए बनाया है? इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए। चलिए और बात करते हैं हम लोग, 85% गणित में पास हुए, ध्यान दीजिएगा। अब एक गणित का बना लीजिए, गणित मतलब मैथ के लिए बना लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए 85%। बाहर क्यों रख रहे हैं आप? अब समझ गए होंगे, अंदर नहीं भरेंगे, बाहर भरेंगे। आगे देखिए, अगर इन दोनों विषयों में 75% पास हुए, दोनों विषयों में पास कहाँ रखा जाता है? बीच में। अगर पास का डायग्राम है तो दोनों विषयों में पास कहाँ रखा जाता है? बीच में। यहाँ रख लीजिए 73। अब भरना सीखिए, इस पूरे का वैल्यू 80, ये 73 तो ये 7, घटा घटा के बाबू, ये पूरा 85, ये 73 तो ये 7, 5, 12, हो गया डन। अगर हम बोले कि यूनिवर्सल सेट है तो कितने का होगा? हमेशा 100%। लेकिन यहाँ जोड़कर तो 100% नहीं हो रहा है, इसमें चार चीजें होती हैं, ए बी सी और एक बाहर रहता है, चारों का योग होता है 100%, चारों का योग। तो बाहर वाले का वैल्यू कुछ होगा, इसीलिए अंदर 100 नहीं पूरा रहा। देखिए 73 और 7 80 और 10 90 92, बचा कितना? तो हमें से हटा के देख लीजिए, बस तो इजी हो गया आपका 8%। या 8% कौन से हैं? जो बाहर है। अब यहाँ लिखा है फिर दोनों विषयों में कितने परसेंट क्या हुए? फेल। यही तो पूछा है कि दोनों में फेल कितने लोग हो गए, बाहर कितने लोग हैं, बाहर कितने लोग हैं, पास का डायग्राम में बाहर कितने लोग हैं, तो आंसर कितना होगा? 8%। बहुत अच्छे टेक्निक से आपको हम बता रहे हैं, बस आप सिंपल रिवाइज कर लीजिए,
एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, 100% हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ इस सवाल में भी वही चीज है। लिखा है एक सर्वे में 30% लोगों के पास फोन है, टेलीफोन, समझिएगा टेलीफोन कितने लोगों के पास है, 30%। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बाहर डाटा रखना है, अंदर नहीं रखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। उसके बाद 75 लोगों के पास क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। जब आप सवाल पढ़ते समय ही बनाएंगे तो सही रहेगा। पर्सनल कंप्यूटर कितने लोगों के पास है, 70%। बहुत बार ऐसा भी होगा कोई आपको समझाएगा कि फॉर्मूले से जल्दी बन जाएगा, हम कहाँ कह रहे हैं कि फॉर्मूले से जल्दी नहीं बनेगा, बट हम ये बता रहे हैं आपको कि सवाल किस भी लेवल का हो और कितना भी घुमा कर आए इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि फॉर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपसे फिगर नहीं बनेगा और आप फॉर्मूला रटना चाहते हैं, अलग बात है, बट आप सोच के देखिए सवाल पढ़ते पढ़ते ये बन जाएगा और जैसे ही ये कंप्लीट होगा सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला भी रखने के लिए पूरा सवाल तो थोड़ा बहुत पढ़ के उसमें डाटा फीड करना पड़ेगा, उतना ही टाइम में आपको ये भी लगभग बन जाएगा। तो 4 सेकंड का अप डाउन जरूर लग सकता है, बट ये भी तो सोचिए हर तरह का सवाल के लिए हो गया, आपका कंप्लीट नॉलेज है। एक किसी फॉर्मूले से किसी एक चीज को आप निकाल सकते हैं, इसमें आप सब निकाल सकते हैं, कंप्लीट नॉलेज हो गया। देखिए आगे, 25% लोगों के पास दोनों है, फोन भी और कंप्यूटर भी। 25% के पास दोनों है, फोन भी और कंप्यूटर भी। तो अगर ये 25 है ये पूरा 30, तो ये अगर ये 25 है और पूरा 75, तो ये, और अगर इन तीनों को जोड़ के देखें तो 80% हो गया। तो बाहर कितना, कि ओवरऑल हमेशा ये कितने का होता है, 100% का, हमेशा इसका परसेंटेज फॉर्मेट में क्या रहेगा, 100%, बाहर 20%। लेकिन यहाँ बाहर से कोई मतलब नहीं है। सवाल सुनिए क्या है, लोगों का वह परसेंटेज जिनके पास टेलीफोन या कंप्यूटर या दोनों हो, यानी होने की बात है, ये सब सब जोड़ के कितना है, यही होने की बात है, ये है वालों का डायग्राम है, नहीं वालों का यहाँ है, ये है 20%। तो है में कितने हैं, जोड़ लीजिए, 80% आंसर हो जाएगा इस सवाल के बाद। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, चौथा सवाल आज का। इस टॉपिक में जितने तरह के सवाल आते हैं सबको हमने अरेंज किया है, बस आप एक बार इन सवालों से गुजर जाइए, कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक आपका। ठीक है, ध्यान अगर देंगे तो इसमें समझ में आएगा कि 53% जो उम्मीदवार हैं वो विज्ञान में और 48% गणित में क्या हो गए हैं, असफल। और दोनों में असफल कितने हैं, 40। यानी इस बार पास का डायग्राम नहीं बनेगा, सब फेल 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 दिया है, तो पास का मत बनाइए, फेल का बना लीजिए। जब तो सारा डाटा फेल पे जा रहा है तो फेल का बना लीजिए। देखिए लिखा है 53% विज्ञान में, ऐसे ले लीजिए साइंस, यहाँ ले लीजिए 53%। उसके बाद एक और सर्किल बनेगा, उस कौन सा क्या नहीं, गणित है, मैथ, मैथ में कितना परसेंट है, 48%। ध्यान दीजिएगा हम दोबारा बोल रहे हैं, ये किस चीज का डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, फेल का, फेल का। और दोनों में फेल कहाँ रहेगा, फेल के डायग्राम में, फेल का अगर डायग्राम बनेगा तो दोनों का, दोनों में फेल तो बीच में रहेगा, है कितना, 40%। अब ध्यान दीजिए ये 53 है पूरा और इसमें से ये हिस्सा 40 है, तो ये हिस्सा कितना घटा लीजिए इसमें से, ये पूरा 48 है, ये 40 है, तो ये अपने आप 8, कुल मिला के ये देखिए भर दिया हमने। हमें चाहिए क्या, दोनों में पास कितने लोग हैं, तो दोनों में पास कितने लोग हैं, पास। सबसे तो पहले ये जानना पड़ेगा आपको कि अगर फेल का डायग्राम है तो पास वाला बाहर रहता है, फेल का डायग्राम में पास वाला बाहर रहेगा। जोड़ लीजिए पहले 40 और 13 7 20, 40 20 60 और 61, यानी ये जो डायग्राम होता है ये होता कितने परसेंट का है, 100% का। और ये मिला के 61 हो गया, तो 100 में से 61 हटाइए, बाहर वाला मिल जाएगा कितना, 39% आंसर हो जाएगा, 39। अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे इस सवाल को बना के देख। लिखा हुआ है कि 70% अंग्रेजी, 65% हिंदी। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं, दोनों में नहीं, बाहर बाहर रहेगा ये। चलिए बोलने वाले को पहले बनाते हैं, इंग्लिश हिंदी, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 70% इंग्लिश बोल सकते हैं, 70% इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते, बोलने वालों का वेन डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ये बोलने वालों का बन रहा है। मैं लिख भी दे रहे हैं हम वेन डायग्राम किसके लिए बना रहे हैं, बोलने वालों के लिए, बोलने वालों के लिए वेन डायग्राम बना रहे हैं। चलिए तो इंग्लिश का हो गया ना, हिंदी वाला कहाँ है, 65%, कितना है, 8%, ये बोलने वाले लोग हैं। और देखिए दोनों भाषा नहीं बोलने वाले कितने हैं, ये नहीं कि आप इसमें बीच में डाल दीजिए,
ये बोलने वाले का डायग्राम है, नहीं बोलने वाला बाहर रखिएगा 27, नहीं बोलने वाला बाहर रखिएगा 27। अब यहां आपको सीखने को मिलेगा कि आखिर अब बाहर वाला वैल्यू दिया, अभी तक क्या हो रहा था, बीच वाला वैल्यू मिलता था तो आप ये सब भर लेते थे और ये भी भर लेते थे, पर क्या हुआ इस बार बाहर वाला वैल्यू मिला है और अब आपको ये सब वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे बनेगा, इस सवाल को अगर सीखना है तो आपको दो तरीके से सीखना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। अगर कभी भी बीच वाला मिसिंग हो, अगर कभी भी बीच वाला मिस जाए तो दो टेक्निक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि दोनों बता पाए। देखिए अब हम बात करते हैं दोनों मेथड पे। सबसे पहला मेथड आप उसको यूज मत करिएगा पर सीख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि 10-20 सेकंड का वैल्यू नहीं रहता, सवाल ट्विस्ट कर जाता है और टाइम बच जाता है एग्जाम में कई बार, और हमें बनाने अगर आता होगा भले 10-20 सेकंड ज्यादा लगेगा, 1 मिनट ज्यादा लगेगा, पर बना तो लेंगे। कुछ तो चीजों को ऐसे भी सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस वैल्यू को हम एक्स मानकर बनाए तो, अगर हम इसे एक्स मान लेंगे तो सोचिए कि पूरा वैल्यू 70 रिप्रेजेंट कर रहा है, 70%, और ये अगर एक्स है तो ये हो जाएगा 70 माइनस, ये पूरा वैल्यू 65 है, इसमें से ये एक्स है तो ये हो जाएगा 65 माइनस, और हर बार जो ये परसेंटेज होता है 100%, ये सबका जोड़ होता है। सबका कहने का क्या मतलब है, ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 100%, 100% जो वैल्यू होता है वो सबका योग के बराबर ही होता है। तो बस जोड़ के देख लीजिए, अगर हम इन तीनों को जोड़े देखें, 70 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 65 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स तो कट जाएगा, 70 और 65, 7 से 13, 135, माइनस एक्स एक बचेगा, एक बाहर में 27 है ये जुड़ेगा, और ओवरऑल हमेशा कितना परसेंट होता है 100। पूछ के तो देखिए हमने कितना आसान आपको बताया है, कौन सा इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। इस एक्स को उधर ले जाइए, इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 5 12, और 13 2 15 1 16, और 100 इधर लाइएगा तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 62, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 62%। ध्यान से देखिए एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 62%। एक बार आपका एक्स का वैल्यू आ गया तो कितना आसान हो गया ये, कि एक्स का वैल्यू अगर यहाँ 62 लिख दिया जाएगा, 62%, ये अपने आप 70 माइनस 62 कितना हो जाएगा, 8%। यहाँ भी एक्स का मान रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3%, बार वाला तो है ही है। आपसे यहाँ पूछा क्या गया है, देखिए आपसे यहाँ पूछा गया है इस समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, दोनों भाषा बोलने वाले की वैल्यू कितनी आ गई, 62%, बस मार दीजिए 62%। हो सकता है कल के पूछ दें इस समूह में कितने परसेंट ऐसे विद्यार्थी जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 8%, केवल हिंदी बोलते हैं, 3%, केवल एक भाषा बोलते हैं, 8 3 11%। हर तरह के सवालों के लिए आप अगर रेडी नहीं है, इस मुंह से कॉम्पिटिशन क्रैक करना है भाई, आप अपने आप से पूछिए ना एक बात, सवाल ट्विस्ट होता तो आप भी घूम जाते, तो जब सवाल घूमेगा तो आप भी घूमेंगे, जब सवाल घूमेगा तो आप भी घूमेंगे, तो फिर सवाल क्या बनाया आपने, और कल के एग्जाम में तो सवाल घूमेगा ही, आजकल यहाँ छुपी हुई थोड़ी है आपसे, सारे सवाल कैलकुलेटिव और किस तरह से घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे बहुत मुश्किल होगा क्रैक करना पेपर। चलिए अगले सवाल को ट्राई करिए। अब यहाँ पे हम लोग ठीक है सोचेंगे, जब यही बात हमने अभी अभी एक्स मान के सीखा, अब ये बात सर कह रहे हैं एक और मेथड से सीखेंगे, एक होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी करके आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन उतना मत पढ़ाइए, फॉर्मूला नहीं पढ़ाएंगे आपको तो बेकार है। आप डायरेक्ट सोचिए कभी भी अगर ये चाहिए आपको तो ठीक है, यहाँ यहाँ और यहाँ मिला के, एक्चुअल में तो ओवरऑल ये 100% है और बाहर में अगर 27 है, ओवरऑल अगर 100% है बाहर में अगर 27 है, घटाइए पहले 27, तो 27 3 30 70, यानी हो गया कितना 73, होना कितना था 73%, किसको किसको जोड़ के, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 73%, तीनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 73%, लेकिन हो कितना रहा है, देखिए अगर हम 70 और 65 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 7 6 13 135, ये जो एक्स्ट्रा हो गया, जो एक्स्ट्रा देख रहे हैं आप 73 की जगह 135 हो गया, कितना एक्स्ट्रा है देखिए, अच्छा 62 एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि 62 दोनों सर्किल में है, वो दो बार जुड़ गया था, वो ज्यादा हो गया, तो अगर आपको चाहिए आंसर बीच वाला तो केवल डायरेक्ट लिख लीजिए कि पक्का कितना होगा 62%, और अगर आपको डायरेक्ट आंसर देना है तो मार दीजिए 62%, अगर 62 मिल गया तो 70 माइनस 8 या 8 भी मिल जाएगा, अगर 62 मिल गया तो 65 माइनस 8 ये 3 भी मिल जाएगा, तो हर वो चीज जो एक्स मान के आप फाइंड कर पा रहे थे वो बिना एक्स माने भी फाइंड हो जाएगा, यानी अंदर वाला देता था तो बाहर वाला सब भरा जाता था। डेटा को हैंडल करना सीखिए, कैसे कैसे फीड हो रहा है, जिस तरह से भर रहे हैं उसी तरह से निकल भी जाएगा आंसर के लिए, तो बीच वाला देगा तो निकल ही जाएगा आराम से, बाहर वाला देगा तो निकल ही जाएगा आराम से, हो गया, बहुत आसान होता है, और एक दो टाइप है बस, सवाल खत्म करते हैं तो मजा आ जाएगा आपको कंप्लीट नॉलेज। चलिए अगला सवाल देखिए, कराइए सवाल को, कई बार परसेंटेज और वैल्यू को रिलेट किया जाता है बट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या रिलेट हो रहा है। देखिए एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण, देखिए यह पाया गया कि 50% लोग ई नामक समाचार पत्र पढ़ने वालों की बात हो रही है भैया, समाचार पत्र ए पढ़ने वालों की बात हो रही है, पर कितना है 50%। चलिए और आगे बढ़ते हैं,
अगले हिस्से में लिखा है 40% लोग बी नामक पढ़ते हैं। ठीक बच्चे, यहां से ले लिया बी नामक स्कोर, और ये कितने लोगों ने पढ़ा है 40%। रखना सीखे होंगे, बाहर रखना है, अंदर मत रख दीजिएगा। अच्छा मान लीजिए किसी ने कहा कि 40% अंदर रख दो, तो कहिएगा 40% अगर हमने यहाँ रख दिया, 40 अगर हमने यहाँ रख दिया, तो इसका मतलब पता क्या है, केवल बी अखबार पढ़ता है। हाँ ये जरूर है, हो सकता है कल हो के आपको दे दे, केवल बी अखबार पढ़ता है। केवल वाला कहाँ से उठता था, वहीं जाके फीड भी हो जाएगा। केवल बी अखबार पढ़ता है तो 40% यहाँ रखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो 40% अखबार पढ़ता है तो पूरा बाहर रहेगा। पूरा केवल वाला कहाँ रहता है आपको अच्छे से पता है। शुरू के 10 पॉइंट्स को बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा केवल का मतलब कौन सा हिस्सा, और का मतलब कौन सा हिस्सा, या का मतलब कौन सा हिस्सा, ओवरऑल का मतलब कौन सा हिस्सा, सब क्लियर हो जाएगा। आप बस उन 10 पॉइंट्स को बार बार रिपीट कर लीजिएगा, अगर आप पहली दफा पढ़ रहे हैं तो, पहले से पढ़े हुए तो। ठीक है, 20% नत्तो नत्तो वाले हैं। नत्तो नत्तो, नत्तो नत्तो का मतलब ना तो अखबार ए पढ़ते हैं ना तो अखबार बी पढ़ते हैं, ना तो अखबार ए पढ़ते हैं ना तो अखबार बी पढ़ते हैं। कमियां लग दिया बाहर, 20% बाहर लिख दिया, 20 कुछ नहीं पढ़ते, दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते जी। 20% लोग कुछ नहीं पढ़ते, दोनों में से कुछ नहीं, ना अखबार ए पढ़ते हैं ना अखबार बी पढ़ते, बाहर बाहर बाहर। अच्छा अभी आपको निकालना सिखाते हैं बीच वाला कैसे, 50 40 90 में से 20 गया, 50 40 90, यहाँ लिख देते हैं 90, टोटल 90, और 100% होता है टोटल, ऐसे नहीं गलत बोल दिया, 100% होता है टोटल अगर ये 20 है, 100% होता है टोटल अगर ये 20 है, ये तीनों मिला के कितने होंगे 80, हटा लीजिए इसमें से, अब 100 में से 20 हटाइए कितने होंगे 80, ये तीनों होंगे 80 क्योंकि चारों मिला के होते हैं 100, कि चारों मिला के ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिला के होते हैं 100, अगर ये 20 है तो ये तीनों मिला के कितने होंगे 80, तीनों मिला के होंगे 80 पर हो रहे हैं 90, कि 100 में से देखिए यहाँ पे 50 40 90, ये 90 क्यों हो जा रहे हैं भाई, ये 10 एक्स्ट्रा क्यों, ध्यान से सुनिएगा एक बार और समझाते हैं। 100 में से 20 गया, 80 होने हैं इन तीनों को 80, क्योंकि हो रहा है 50 40 90, क्यों, बीच में कुछ एरिया है जो दोनों में जुड़ गया, और पता है कितना दोनों में है 10 10%, ये निकालना होता तो 40%, अगर ये निकालना रहेगा तो 30%, सब हो गया। क्या देखिए क्या बोला गया है, सब परसेंटेज में ध्यान रखिएगा, सब परसेंटेज में है, क्या बोला गया, ए और बी दोनों समाचार पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ध्यान से ये लैंग्वेज में परसेंटेज को नंबर से रिलेट करने आपको अच्छे से आना चाहिए। दोनों का बात किया जा रहा है, दोनों का डाटा कौन सा है, दोनों का बात किया जा रहा है, तो दोनों का डाटा कौन सा है, बीच वाला, दोनों के लिए यही वाला पत्ता पत्ता जिम्मेवार होता है, ये पत्ता लीफ, ये वाला दोनों के लिए होता है, तो कितना है 10%, तो 10% का वैल्यू बाबू दोनों समाचार पढ़ने वाले 10% का वैल्यू कितना है 500 500। और आपसे पूछा कितने लोग सर्वेक्षण किए गए, सर्वेक्षण तो कितने लोगों का होता है हमेशा 100%, 100% का मतलब 10 यहाँ बढ़ा दीजिए तो 10 यहाँ ही बढ़ जाएगा, और आंसर कितना लग जाएगा 5000। 10% का वैल्यू अगर 500 है, 100% का वैल्यू 5000, है ना, बहुत आसान। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप करते जाएंगे। चलिए सवाल करते हैं हम लोग, ये किस कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने, कक्षा ने किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने क्या लिया है, जीव विज्ञान, 44% ने क्या लिया है, गणित। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी, बहुत केयर कीजिएगा इस पर, कई बार सवाल इस तरह से आता है और घुमा देते हैं एग्जाम में, फंस जाते हैं बच्चे, थोड़ा सा आप ध्यान देके सीखिए बच्चे। 72% ने बायोलॉजी लिया है, 72% ने क्या लिया है, बायोलॉजी, और दिया है 44% ने मैथ लिया है, 44% ने मैथ लिया, और एक ये वर्ड सुनिए, कम से कम एक विषय लिया ही लिया है, यानी नहीं लेने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये चीज को आप अगर रिलेट कर पाए, इस टाइप का सवाल आप बना पाएंगे, ये वर्ड यूज होगा, कम से कम एक विषय लेना होगा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि बायोलॉजी और मैथ दोनों नहीं लेंगे, या तो बायोलॉजी ले लीजिए, या तो बायोलॉजी ले लीजिए, या फिर मैथ ले लीजिए, लेकिन कम से कम एक लेना पड़ेगा, दोनों ले लीजिए चलेगा, लेकिन ऐसा आप नहीं बोल सकते कि हम कुछ नहीं लेंगे, तो फिर आप कॉलेज किस लिए पढ़ेंगे, फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कम से कम एक विषय लेना पड़ेगा, इन्हीं तीनों में बढ़ाना होगा, बाहर क्या हो गया 0, यही सब समझना है कि जो 100% वैल्यू है ये इन तीनों को ही जोड़ के आ जाएगा, बाहर वाला क्या हो गया है 0, नहीं लेने वालों की संख्या कितनी हो गई है 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब ये कैसे बनेगा सर, यहाँ भी तो बीच वाला मिसिंग है, कैसे निकलेगा, देखिए बता रहे इन तीनों को जोड़ के होना कितना है 100, और हो कितना रहा है 72 44 74 11 100, ये 16% जो एक्स्ट्रा है ये कॉमन है, बस हो गया, ये जो 16% है जो कॉमन है एक्स्ट्रा है,
अच्छा वैल्यू की बात करें, क्या पूछा गया देख लीजिए एक बार, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है और दिया किसका है भाई, क्या लिया है 40 विद्यार्थियों ने दोनों लिया है, और दोनों विषय कितने लोगों ने लिए 16%, 16% जो दोनों विषय लेने वाले लोग हैं उनका वैल्यू कितना है 40, मतलब दोनों विषय चुनने वालों की संख्या परसेंटेज में है 16, वैल्यू में है 40, बस इक्वेट कर दीजिए 16% का वैल्यू 40, परसेंटेज नहीं सर 40, 1%, 1% क्यों निकाल रहे, सीधे 100% निकालिए, 40 बटा में 1% निकालने के लिए 16 नीचे, और 100% निकालने के लिए गुना 100, ठीक है, 4 6 16, 4 25 100, 25 दहा में 250। बहुत खूबसूरत सवाल है, सिर्फ एक वजह से, इस सवाल में बहुत कुछ खास नहीं है, बहुत कुछ टिपिकल नहीं है, सिर्फ एक वजह से ये खास है, कम से कम एक विषय लेना होगा, यानी बाहर जो नहीं लेने वाले हैं वो कितने हो जाएंगे 0, सिर्फ इस बात का ख्याल रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को ट्राई करिए, तो भी हम प्रयास किए हैं कि आप पूछिए कम से कम एक विषय लेना होगा, तो लैंग्वेज आएगा तो उसको किस तरह से आप डील करिएगा उसी। 65% ने विज्ञान लिख दे रहे हैं, 65% ने क्या लिया, 65% ने लिया है साइंस, 60% ने लिया है आर्ट्स कला, 60% ने लिया है आर्ट्स कला, यदि कुल विद्यार्थियों इतने तो बताएं, वो थोड़ी होते, आपको हम जो सिखाने के लिए क्वेश्चन दिया उस पर फोकस करिए, ये लाइन, एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को, विद्यार्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिया, समझिए इस बात बात को, कि प्रत्येक विद्यार्थी ने, ध्यान दीजिएगा प्रत्येक, ऑल, सबको, सबको लेना पड़ेगा, सभी विद्यार्थियों ने विज्ञान लिया या फिर आर्ट्स ले लीजिए, या तो साइंस ले लीजिए, नहीं तो आर्ट्स ले लीजिए, या फिर दोनों लीजिए, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है तो कह दे कि हम कुछ नहीं लेंगे, यानी कुछ नहीं लेने वालों की संख्या कितनी है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, प्रत्येक विद्यार्थी को या तो साइंस या फिर आर्ट्स या फिर दोनों लेना ही पड़ेगा, बाहर वाला हो गया 0। सेम तरीके से 6 6 12 125, 25% एक्स्ट्रा है, ओवरऑल 100% होता है, ओवरऑल 100% होता है, तो 25% एक्स्ट्रा है, तो 25% बीच में ले लीजिएगा, बाकी देखिए दिया है यहाँ पे, तो बताएंगे कितने विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया, और टोटल वैल्यू दिया है 540, टोटल का मतलब 100% का मान दिया है 540, टोटल विद्यार्थी, पढ़ के देखिए, कुल विद्यार्थी, कुल 540 टोटल विद्यार्थी है, और दोनों विषय लेने वाले कितने लोग हैं 25%, 1/4, कार्यक्रम 4 3 12 4 5 20, 100, मस्त सवाल और मस्त टेक्निक, फर्स्ट क्लास टेक्निक है, आप इसे देख लीजिए एक बार, कर लीजिए। अब आपका ये कम से कम वाली बात क्लियर हो गई, कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल भी हैं एसएससी में आए हुए, थोड़े से 2 4 सवाल बस देख लीजिए उनको, सबसे पहले आप इस सवाल को देखिए, सबसे पहले आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल में दिया हुआ है किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में 55% अंग्रेजी में पास हुए, ध्यान से समझिएगा, साफ साफ लिखा है कि मामला पास का है, साफ साफ लिखा है कि मामला पास होने का, लिख रहे हैं डायग्राम बना रहे हैं हम लोग पास का, पहला लाइन बता रहा है कि हिंदी में कितने 40%, तो हिंदी लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 40%, इसके बाद दिया है 55% जो है वो किसमें है अंग्रेजी में, इसके बाद लिखा है 55% वो किसमें है इंग्लिश में पास हुए, क्या पढ़िए, यह ज्ञात है कि दोनों में असफल छात्रों की संख्या, दोनों में असफल, पास में नहीं है, दोनों में असफल, यहाँ बाहर बाहर, दोनों में असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले दुगनी है, तो दोनों में पास हुए हैं, दोनों में पास कहाँ लिखा जाता है यहाँ, तो अगर ये एक्स है तो दोनों में फेल है, जो दोनों में फेल है इसका कितना है दुगना है, तो अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा एक्स, बस इतना सा बात आपको समझना था, बाकी सवाल नॉर्मल है, यह है यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हुए हैं परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की, सवाल को अगर ढंग से आपने पढ़ा तो आप एक बार देख लीजिए, हम आपको कुछ भी हार्ड नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ बहुत आसान, ध्यान से देखिए, सबसे पहले शुरू से लेकर अब तक लगातार हमने कहा आपको इसका ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो हमेशा कितना परसेंट होगा, और ये 100 कहां से आएगा, ए बी सी और डी, इन चारों को जोड़कर, ठीक है, सबसे पहले 40 है एक्स है कितना हो जाएगा 40 माइनस 55 है एक्स है तो कितना हो जाएगा 55 माइनस, अब इन चारों को जोड़िए 40 और 50, नंबर जोड़ रहे हैं 50 40 90 95 95, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, माइनस एक्स बार वाला वैल्यू 2x प्लस
और बराबर हमेशा 100%, हमेशा 100% कि 2x और x, x 95 हो जाएगा तो 5। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि फॉर्मूला अपने जगह है, गलत नहीं है, उसे भी सीखिए और ये भी सीख लीजिए, ये पूरा कंप्लीट नॉलेज हो जाता है। एक्स का मान कितना आ गया 5, तो हम यहाँ रखने जा रहे हैं 5, बीच वाला वैल्यू 5, 40 में से 5 35, डाल के दिखा दे रहे हैं 55 में से 5 50, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। आप देखिए इसमें पूछा सिंपल है कि 16 छात्र फेल हो गए हैं, किसमें, दोनों विषय में, और दोनों विषय में फेल है कितने, यहाँ देखिए एक्स का मान यहाँ रखे तो 5 × 2 = 10, दोनों विषय में फेल कितने लोग हैं, फेल वाला बाहर रहता है बाबू, पास वाले मत रखिएगा, बाहर वाला वैल्यू जो दोनों में फेल है, 10% का वैल्यू कितना है, और आपसे टोटल विद्यार्थी यानी 100%, 1 0 यहाँ बढ़ेगा तो 1 0 यहाँ भी, आंसर हो जाएगा 160, आंसर हो जाएगा 160। बहुत आसान, बिल्कुल बेस्ट टेक्निक के साथ, आप देख लीजिए सवाल, आगे बढ़ेंगे इस सवाल को सीख। इसमें दिया है 70% जो है वो इंग्लिश में पास हुए हैं, 80% मैथ में पास हुए हैं, पास का बना रहे हैं 70%, 80। अच्छा पहला वाला जो था वो इंग्लिश में था, किसमें था, और ये बाद वाला जो है मैथ में, 10% दोनों में फेल, दोनों में फेल कहाँ रहता है आपको अच्छे से मालूम है, दोनों में फेल कहाँ रहता है आपको अच्छे से, बाहर, पास वाले डायग्राम से बिल्कुल बाहर, ये पास का डायग्राम अगर हमने बनाया है, फेल वाला एकदम बाहर, इस सर्किल से बाहर रहेगा, दोनों में से 44 पास हुए हैं तो टोटल पहले निकाल तो लिया जाए वैल्यू, ये वाला निकालने की जरूरत है क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है। अगर ये 10 है, ओवरऑल कितना होता है हमेशा 100%, अगर ये 100 होता है, ये 10 है तो ओवरऑल इन तीनों का योग कितना है 90, सीधे कितना रहा 8 7 15, उसमें जो हाँ 15, यानी बीच वाला वैल्यू कितना है जो दो बार जोड़ा गया कॉमन एरिया में, 60% का ही वैल्यू दिया हुआ है 144, 60% का वैल्यू अगर 144 है तो 1% का हो जाएगा 144/60, और टोटल विद्यार्थी चाहिए कितना परसेंट हो जाएगा 100, 12 12 12 पंचे 5 × 2 = 10, 12 × 2 = 24, 200, मस्त टेक्निक है, आप एक बार सीख लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले 2-3 सवालों की ओर, सवाल को सीख, देखिए लिखा है 70% मैथ में और 70% सामान्य जागरूकता में लिखा हुआ है। 70% जो उम्मीदवार है वो मात्रात्मक योग्यता में, मतलब मैथमेटिक्स में मान लीजिए, या मात्रात्मक योग्यता जो लिखा है वही लिखते हैं, मात्रात्मक क्या 73%, एक सर्किल और बनाइए उसमें लिखिए सामान्य जागरूकता में 70%, 70% जो वैल्यू है वो सामान्य जागरूकता का है, सामान्य जागरूकता, और 64 दोनों में, 64 दोनों। अब आगे पूछा गया है कुल विद्यार्थी, तो पहले दिया है दोनों विषयों में 63 लोग फेल हुए, तो फेल कैसे निकलेगा सीखिए, ऑलरेडी आपको आता है, हम इसमें क्या सिखा देंगे आपको, पहले जो सीखा हुआ उसी से बनेगा, 64 और ये 73 है तो कितना आएगा 3, और 70 में से 64 गया 9 6 15 4 19 8 20 80, 79 हो जाएगा 80, 21%, ये बाहर वाला कितना हो जाएगा 21%, हाँ 100 में से घटा लिए हैं, दोनों विषयों में 6300 फेल है, यहाँ वैल्यू कितना है 21%, 21% का जो वैल्यू है दोनों में फेल, और कुल परीक्षार्थी का मतलब कितना परसेंट 100%, 1% के लिए निकालने के लिए 6300/21 और 100% के लिए गुना 21 3 63 300 × 100, आंसर होगा इस तरीके से, ये सवाल आसानी से बन, आगे बढ़ेंगे, शॉट लेना है तो ले लीजिए ताकि बार बार वीडियो ना देखना पड़े, देखिए इस सवाल को देखिए, चलिए इस सवाल को सीखते हैं, दिया हुआ है टोटल 80 छात्र हैं, 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, यदि किसी भी भाषा, चलिए शुरू करते हैं हिंदी इंग्लिश को लेकर, एक ही बार पूरा कहानी पढ़ने से क्या मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है 45% हिंदी बोलते हैं, 45% क्या बोलते हैं सरकार, हिंदी बोलते हैं, के बाद लिखा है 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं,
40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए गलत लिख दिया ना, अंग्रेजी बोलने वाले में सही है, लेकिन 40% केवल बोला हुआ है, बाहर नहीं अंदर। तो बाहर नहीं लिख सकते, केवल अंग्रेजी कहाँ लिखा जाएगा, अंदर लिखा जाएगा। यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वालों की संख्या, नहीं बोलने वाले बाहर रहेंगे, बोलने वाला बनाए हुए हैं ये डायग्राम, बोलने वालों के लिए बना रहे हैं तो नहीं बोलने वाले बाहर रहेंगे। आगे लिखा है किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है तो दोनों भाषा बोल सकते हैं, बोलने वाले में दोनों भाषा बोलने वालों के लिए। तो ये है एक्स, और अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। साफ लिखा है बराबर है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है बराबर है। चलिए और आगे बढ़ेंगे, तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या बताइए। चलिए पहले वैल्यू को देखा जाए, अगर ये 45 है ये एक्स है तो ये, और बाकी चारों को जोड़ के होता है हमेशा कितना परसेंट है, 100%। चारों को जोड़ के दिया कितना होता है हमेशा, 100%। तो चारों को जोड़िए, पहले नंबर जोड़िए 50 40 90, सॉरी 40 40 80 5 85, माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, एक्स एक्स रहेगा बराबर 100। यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 15%। एक्स का वैल्यू हो गया 15, ये कितना हो जाएगा, कब निकल गया, ये भी कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आ गया। केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या, केवल हिंदी, हिंदी नहीं, केवल हिंदी कितने होंगे, 30। केवल हिंदी के लिए कौन सा पार्ट होता है आपको अच्छे से मालूम है, शुरू में आपको 10 पॉइंट क्लियर किया गया है। तो 30% निकालना है किसका, साफ साफ आपके देखिए परसेंटेज में 100, और वैल्यू कितना दिया, 80 छात्रों की कक्षा है, यानी 100% का वैल्यू 80 दिया हुआ है। आपको निकालना है 30%, बताइए 80 का 30% निकालना है केवल, तो वैल्यू यहाँ से नहीं ऐसे निकालते हैं, केवल हिंदी के लिए 80 का 30% कितना हो जाएगा बाबू, 8 तरीके। आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा वेन डायग्राम टॉपिक का, और ये टॉपिक पूरी तरह से अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक टेक्निक के साथ, पीसीएल क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन, कम ऑन ट्राई करिए। एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार विज्ञान में पास हुए, ये सवाल हमने जानबूझ कर दिया है स्पेशल क्वेश्चन, एक पास दिया है एक फेल दिया है, बहुत अच्छे से सीखे। सबसे पहले अगर हम पास के पॉइंट से बनाएं, ठीक है, 48% जो है 48% साइंस में पास हुए हैं, साइंस में कितने पास हुए हैं, 48%। फिर आगे लिखा हुआ है 56% गणित में फेल हुए हैं, ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है 56% गणित में फेल हुए हैं। अगर हम पास के अप्रोच से बनाते हैं, पास के अप्रोच, पास के आधार पर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे सीखिए, और फिर हम फेल के आधार पर बना के आपको सिखाएंगे। अभी पहले पास के आधार पर सीख, जब यहाँ कहा जा रहा है कि साइंस में 48% पास हुए, तो लिखा है 56% गणित में फेल हो गए, यहाँ आप पलट सकते हैं, अगर गणित में 56% फेल हुए हैं तो बाकी बच गया, 100 में से 56 घटा लीजिए तो जाएगा 44% क्या हो जाएंगे इसमें, गणित में पास हो जाएंगे। अगर 56% फेल हुए हैं, अगर 56% फेल हुए हैं 100 में से घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, पास। हम लोग पास के आधार पर ही सवाल को पहले सीख, तो पास का डायग्राम बना रहे हैं, हम पास का डायग्राम बना रहे हैं, ये पास का डायग्राम बना रहे हैं। देखिए यदि दोनों विषयों में फेल कितने हैं, 32, दोनों विषयों में, अगर हम पास के डायग्राम में बात करें, अगर हम पास के डायग्राम में बात करें तो 32% दोनों में फेल है, वो कहाँ रहेंगे, बाहर, कि पास के डायग्राम में दोनों में फेल व्यक्ति बाहर रहता है, ध्यान से सीखिए। अब ये निकालना आपको आता है ऑलरेडी, अगर हम देखें पूरा होता है 100%, 32 घटा देंगे तो हो जाएगा 70, 70 नहीं 68, और ये दोनों को जोड़िए 8 4 12 का 2 कैरी, 1 6 4 10 1 11 ऐसे 8 4 12 और हो जाएगा 10 में 6 गया, हमारा 44% जो है वो कॉमन हिस्सा है, 44% हो गया, हाँ 44% हो गया, 32 तो 8 40 60, ठीक है 4 4 8 नौ, गलत जोड़ दिया, 8 4 12 का 2 कैरी 1 और 4 4 8 1 9, यहाँ 9 होगा, ध्यान से बनाइए यहाँ 9 होगा, और इसको घटाने पे अलग नंबर आएगा, रुक जाइए ये वाला नंबर ही पीछे, गलती हो गया जी, 8 4 12 और यहाँ 8 में से 6 गया 24, 24% दोनों में पास है 24। अब 48 24 तो 24, 44 24 तो ये बी, चलिए सब निकाल के दिखा दिया आपको, ये और बाहर वाला वैल्यू। अब इसमें जो दिया है सवाल कि दोनों विषयों में कितने लोग क्या हुए हैं पास, इसका आंसर तो 24% आप यहाँ से मार सकते हैं। ये जो सवाल हमने बनाया ये हमने पास के आधार पर बनाया, भाई पास मानकर हमने बनाया, सबको पलट पलट के बनाया, कभी बीच वाले को मत पलटिएगा, जैसे पलटे थे याद कीजिए, अगर पलटे सिर्फ एक चीज थे 56% लोग असफल थे तो हमने यहाँ 44% सफल लिखा था कि हमने 100 में से 56 घटाया था, बस यही बात। या तो आप साइंस या फिर ये किस चीज का था, मैथ, साइंस या मैथ में ऐसा कर सकते हैं, आप पलट सकते हैं, अगर आप पास के आधार पर बनाएंगे तो ऐसे बनाइए, अगर इस सवाल को फेल के आधार पर बनाना है, इसी सेम सवाल को हम फेल के आधार पर बना के दिखाते हैं आपको, देखिए
सवाल को फेल के आधार पर जब बनाइएगा, देखिए सवाल को अगर फेल के आधार पर बनाइए तो कैसे बनाएगा, देखिए हम दिखाते हैं आपको, तो भी सीख लीजिए। कोई भी मौका मत छोड़िए, छूटेगा मौका या आप अपने मर्जी से छोड़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, मत छोड़िए। हम आपको वही बता रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। देखिए अगर हम बोलें कि हम फेल के आधार पर बनाना चाहते हैं, फेल के आधार पर, यानी हम कह रहे हैं कि हम फेल का डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम हम फेल का बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे सीखिए। साइंस, अब जब लिखा हुआ है कि 48% साइंस में क्या हुए हैं पास, तो 48% अगर पास हुए हैं, 48% अगर पास हुए हैं, 100 में से घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 50 और 2 52% क्या हो जाएंगे अपने आप फेल, 52% क्या हो जाएंगे अपने आप फेल। हम लिख दे रहे हैं 52%, और हम कह रहे हैं कि ये फेल का डायग्राम हम बना रहे हैं, हम फेल के आधार पर बात कर रहे हैं तो फेल का डायग्राम बना। चलिए और बात करते हैं, हम लोग 56% गणित में फेल हुए हैं, 56% मैथ में फेल हुए हैं, ये मैथ का फेल का डायग्राम है, ठीक। 32% दोनों में फेल हुए हैं, रहेगा फेल का डायग्राम में बीच में रहेगा, ये फेल का डायग्राम में दोनों में फेल बीच में रहेगा। अब देखिए 52 32 तो ये हो जाएगा 20, 56 32 तो 6 में से 2 गया और 5 में से। अब ध्यान दे तो ये तीनों जोड़ के कितना हो गया, 30 20 50 20 70 75। 100 में से, चूंकि हमेशा ही कितने परसेंट रहता है, 100%, 100 में से 76 घटा दीजिए बाहर कितना आ जाएगा, 100 में से 76। और याद रखिएगा फेल के डायग्राम में जो बाहर है वो दोनों में पास है, लिखा है दोनों विषयों में कितने लोग पास हैं, अगेन 24%। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टुडे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।